गया। हाँ तो भाइयों कैसे हो आप लोग, अगर मजे में हो तब तो ठीक है, अगर आप मजे में नहीं हो तो इस वीडियो को देख के मजे में हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे अतरंगी कारनामे लेके आ गए हैं जिन्हें देख के आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है स्टूपिड पीपल पार्ट 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पापा के परी के साथ, जिसके मजे सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि बंदर ही मिल रहे हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देखो कैसे ये दीदी इसे बिस्कुट खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर की हरकत देख के आप अपने हंसी को नहीं रोक पाओगे। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे क्या लेने के लेने दो। ए, सुन सुन इधर बेटे। अब शराब के नशे में लोंडो को तो बहुत बार आपने हम्बा डम्बा करते हुए देखा है, लेकिन इस महतर्मा को भी देख लो कैसे शराब के नशे में हम्बा डम्बा कर रही है। हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। चलिए आते हैं इन पापा के परी पे जो टैटू बनवाने जाती है बहुत ही ज्यादा शौक के साथ, लेकिन टैटू आर्टिस्ट क्या बनाएंगे निकल जाता है। हाँ जरा इस वीडियो में देखिए। अरे रुको जरा, और आपको पता ही है कि बच्चे कितना ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन शैतानी तो वहाँ पे निकल जाती है। आजकल के बच्चों की शैतानी देखो कैसे चलते फिरते क्लास में मैडम को प्रपोज कर दिया, और जब मैडम बोलती है कि अरे बेटा मैं शादीशुदा हूँ, तब पर भी इस बेटे की हरकतें देखो आप। अभी एक बच्चे का आज मैसेज आता है मेरे पास में, और वो कहता है मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बताइए। मैंने कहा बेटा मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसके बाद 10 मिनट बाद मैसेज आता है, तो क्या हुआ मैम? अब यही नहीं, इस लाइव क्लास में देखो कैसे मम्मी के मगरमच्छ ने चलती फिरती क्लास में मैडम को आई लव यू बोल दिया। मैम आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट मैरिड। देन आई लव यू मैम। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए इस दीदी की हरकतें देखते हैं। देखो कैसे अपने लहंगे की नई नई वीडियो बना रही थी और शो ऑफ कर रही थी, तभी देखो कैसे रील बनाते ही इस दीदी के करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब नुकसान तो सिर्फ हजारों का हुआ है, लेकिन दीदी के लिए करोड़ों से कम थोड़ी है।